दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर बीजेपी पंजाब द्वारा एक विशेष समारोह का आयोजन जलंधर में किया गया। समाजसेवी संस्था वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर डेफ एंड ब्लाइंड के सहयोग से आयोजित किया गया। इस समारोह में शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर युवाओं और बच्चों ने भाग लिया। पंजाब बीजेपी के प्रदेश प्रधान कमल शर्मा इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विशेषज्ञ डॉक्टरों के पैनल ने इस दौरान विकलांग बच्चों की मानसिक अवस्था के बारे में अपने विचार प्रकट किए। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए कमल शर्मा ने कहा कि मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग लोग भी इसी समाज का हिस्सा हैं। हम सबको मिलजुल कर ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे जिहड़ा 3 दिसंबर नूं हुंदा है, उहदे उपलक्ष्य दे विच अज इत्थे जिहड़ा वोकेशनल सेंटर है उहदे च भारतीय जनता पार्टी का जिहड़ा डिसेबल्ड सैल है उहदे कन्वीनर पदम पासी जी ने और मैडम सुनीता नैयर जी ने मिलकर एक प्रोग्राम ऑर्गनाइज किया है अवेयरनैस वास्ते। और मैनूं इस गल की खुशी है कि इन्होंने जिहड़े कुछ डॉक्टर्स ने, कुछ एजुकेटर्स ने, इंस्ट्रक्टर्स ने, उन्होंने सारिआं नूं अज जिहड़े स्पेशली एबल्ड बच्चे ने उन्होंने नाल बिठाया है। और इस तरह दी जिहड़ी इंट्रैक्शन हुंदियां उहदा निश्चित तौर पर लाभ हुंदा है। जिहड़ियां प्रॉब्लम्स इन्हां बच्चिआं नूं आउंदियां है उहदा हल भी इस तरह दी इंट्रैक्शन दे नाल निकलदा। सो मैं जरूर सारी सोसाइटी दे अगे अपील करना चाहांगा कि सानू इस गल का ख्याल रखना चाहिए कि जे परमात्मा ने कोई कमी रखती है तो असी एक समाज होने के नाते असी मिलजुल के उस कमी का एहसास अपने इन्होंने वीर इन्होंने भैनों ना होन दईए।